सिधौना में गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले बदमाश की पुलिस से हुई मुठभेड़, बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस तथा एक मोबाइल पुलिस ने किया बरामद। दिनांक 18 सितंबर 2024 को वादी मुकदमा अर्जुन बनवासी, पुत्र उमाशंकर बनवासी, निवासी सिधौना, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनाजपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 17 सितंबर 2024 की शाम को लगभग 6:15 बजे उसके चाचा 48 साल के ओमकार बनवासी पुत्र रामनाथ को उसके पड़ोसी श्याम सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी ने पुरानी रंजिश को लेकर सीने पर देशी तमंचा रखकर फायर कर दिया, जिन्हें CHC मेहनाजपुर ले जाया गया, जिन्हें डॉक्टर द्वारा आजमगढ़ और फिर BHU रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। इसके संबंध में थाना मेहनाजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 155/2024 धारा 109 BNS पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में आज दिनांक 18/9/2024 को थाना अध्यक्ष मेहनाजपुर हीरेंद्र प्रताप सिंह मैं हमरा और उप निरीक्षक दीपक कुमार मैं हमरा इटैली बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दी कि ओमकार बनवासी की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला बदमाश श्याम सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी निवासी सिधौना मोबाइल पैसा और अपना कपड़ा लेने के लिए अपने घर ग्राम सिधौना मानिकपुर रोड होकर जाने वाला है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष मेहनाजपुर हीरेंद्र प्रताप सिंह में फोर्स द्वारा मानिकपुर रोड चिल्लूपुर के पास घेराबंदी की गई। कुछ देर के बाद मानिकपुर की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया तो थाना अध्यक्ष मेहनाजपुर फोर्स के साथ जैसे ही व्यक्ति की ओर बढ़े वो व्यक्ति तमंचा निकाल कर थाना अध्यक्ष मेहनाजपुर को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी दिए जाने के बावजूद थाना अध्यक्ष मेहनाजपुर हीरेंद्र प्रताप द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे करीब 5:10 पर सवेरे हिरासत में लेकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनाजपुर ले जाया गया। घायल बदमाश की पहचान सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 साल के रूप में की गई है। उसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी का पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 156/24 धारा 109 BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। घायल बदमाश सुंदर बनवासी ने बताया कि उसकी ओमकार बनवासी से पुरानी रंजिश है। ओमकार बनवासी बदमाश की पत्नी और बहन के प्रति गलत नियत रखता है। सुंदर बनवासी उससे पूछने के लिए उसके मंडई में गया था, तभी ओमकार बनवासी गाली देने लगा। सुंदर बनवासी ने उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया और वो वहां से भागकर ऊंचा हुआ जौनपुर चला गया। बदमाश अपने पिता के पास मुंबई जाने के लिए पैसा और कपड़ा लेने के लिए घर जा रहा था। मुठभेड़ में शामिल और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष हीरेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल विजय कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल अभिषेक मौर्य, कांस्टेबल विनोद कुमार यादव, महिला कांस्टेबल सोमवती, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। इस संबंध में SP हेमराज मीना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, थाना मेहनाजपुर में एक ओमकार बनवासी नाम के जो व्यक्ति को, उसी के साथ में रहने वाले एक श्याम सुंदर बनवासी के द्वारा कल शाम में 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी गई थी, जिसको तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया और उसके बाद में उनको प्राथमिक चिकित्सा उपचार के बाद में उनको बनारस रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई थी उसके बारे में जानकारी मिली थी। हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और सुबह करीब 5 बजे के आसपास में श्याम सुंदर बनवासी है उनको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान उनको पैर में गोली भी लगी है और उनके पास से 315 ओवर का जो तमंचा है वो भी बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका एक तो कुछ गांजा पीने को लेकर विवाद था और भी कोई चीज़ों की जानकारी मिली है कि इनका ये कहना था कि जो श्याम सुंदर जो बनवासी है उनकी जो पत्नी है वो यहाँ रहती है और ये श्याम सुंदर मुंबई में रहते थे, तो इनको ये आशंका थी कि इनके साथ में जो ओमकार बनवासी है उसके साथ में अवैध संबंध है, इसको लेकर भी इनमें आपस में बातचीत हुई थी और इसी दौरान ये घटना हुई थी। इसमें अभी इनको जो श्याम सुंदर बनवासी है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके बाद में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। उसकी हालत स्थिर है, अभी उसको 315 बोर के जो उससे तमंचे से गोली मारी गई थी जिससे उसको चेस्ट में उसको गोली लगी है, लेकिन अभी उसकी हालत स्थिर है
और डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया। कहाँ से उनको एडमिट कराया गया? उनको बनारस में एडमिट कराया गया।